हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास? चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास का किया हुआ होगा पहले उसको रिवाइज करेंगे, देन वी विल कॉन्टिन्यू। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, किस चीज़ का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कुछ याद है? फर्स्ट हमने पढ़ा था अग्रीमेंट, और फिर हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू मीन बाय एन अग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है तो ये क्या है? अग्रीमेंट। और उसके बाद क्या था? एनफोर्सिबिलिटी पढ़ा था बच्चों। ये एनफोर्सिबिलिटी क्या चीज होती है? आई टोल्ड यू अर्लियर, एनफोर्सिबिलिटी मीन्स लीगल रेमेडी। यस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। यस, अगर आप कोर्ट केस कर सकते हैं, अगर आप किसी पर्सन को कोर्ट में घसीट सकते हैं, कोर्ट में उसको लेकर जा सकते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज एनफोर्सिबिलिटी। हमने बात किया था, मम्मी ने क्या बनाए? कहा दिया राजमा चावल बनेंगे आज शाम को। मम्मी ने क्या कह दिया? ओके, बना देंगे। नहीं बनाया तो क्या हम अपनी मम्मी जी को कोर्ट में लेकर जाएंगे? आंसर इज नो। ये क्या हो गया? केवल अग्रीमेंट। पापा ने कहा था सीए क्लियर कर लो, सीएस क्लियर कर लो, सीएमए क्लियर कर लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्या दूंगा? बीएमडब्ल्यू दूंगा। और पापा ने बाद में मना कर दिया। क्या हम पापा पर केस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है? इट्स जस्ट एन अग्रीमेंट। क्लियर? फिर हमने और क्या किया था, एक दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह का एग्जाम्पल लिया था। उसमें क्या बताया था? वो कहते हैं यस, आप मेरे साथ मूवी चलेंगे, दीपिका सेज यस, और इवनिंग में वो मना कर देती है। तो क्या दीपिका के ऊपर रणवीर सिंह केस कर सकते हैं? आंसर इज नो। एक और एग्जाम्पल दिया था, मेरे को पार्टी में बुलाया था, सक्सेस पार्टी में, बच्चे ने पास होने के बाद, उसके बाद मैं नहीं जा पाया। आफ्टर मेकिंग ए प्रोमिस आई कुडंट ज्वाइन दैट पार्टी। क्या बच्चा मेरे ऊपर केस कर सकता है? आंसर इज नो, इट वॉज जस्ट एन अग्रीमेंट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अग्रीमेंट क्या होते हैं? सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, इनको हम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखते हैं। हस्बैंड ने वाइफ को किया अग्रीमेंट, यस, इसकी कोई वैल्यू नहीं। रोज चलते रहते हैं, डे बाय डे चलते रहते हैं। आप लोग भी देखते होंगे, पेरेंट्स एक दूसरे को कहते हैं आज मैं आपके लिए ये बनाती हूँ, आज मैं आपके लिए वो करती हूँ, आज मैं आपके लिए एक सोने का हार लेके आता हूँ। लेकिन अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या हस्बैंड या वाइफ में से कोई उन पर केस कर सकता है? आंसर इज नो, केस की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट इज डन, अग्रीमेंट इज डन, बात करते हैं। एग्जाम्पल दिया था यस, सेल करने का कार को, याद कीजिए, सेल किया है कार को। यस, एक पार्टी दे रही है, दूसरी पार्टी ले रही है, ऑब्लिगेशन है, नहीं फुलफिल करेंगे तो क्या केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए फटाफट नेक्स्ट पढ़ा था हमने बच्चों, एसेंशियल ऑफ वैलिड अग्रीमेंट। क्या पढ़े थे? टू पार्टीज होनी चाहिए। कितने पार्टीज होनी चाहिए? टू पार्टीज होनी चाहिए। वो टू पार्टीज में कौन कौन होनी चाहिए? यस, एक परचेजर एंड एक सेलर, दो बंदे होने चाहिए, एक परचेजर और एक सेलर। अगर वो होंगे तभी तो बात बन पाएगी। यस, चलिए, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। एक बंदा ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्टेंस देगा। नेक्स्ट पढ़ा था बच्चों, इंटेंशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस, वेरी मच इम्पोर्टेंट, और आपको बताया भी अभी थोड़ी देर पहले ही। यस, पापा ने क्या कहा था? बीएमडब्ल्यू गिफ्ट करूंगा, और पापा ने कर दिया मना। क्लियर? ऐसी बातों को हमने समझा था। क्लियर? अभी आपको मैं इसका केस लो अभी डिस्कस करता हूँ, जल्दी से थोड़ा सा जो हमने पढ़ा था बस एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या था बच्चों? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ये सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग की बात क्या करता? सर्टेन होना चाहिए। मीनिंग क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए? 100% नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए ना। श्योरली इट शुड बी डेफिनेट इनफ, डेफिनेट ही होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू है। मीनिंग सर्टेन होगा तभी तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल दिया था आपकी स्क्रीन पर, दिया भी हुआ है, यहाँ पर कितने सारे ऑयल्स दिख रहे हैं, 100 लीटर्स ऑफ ऑयल्स के लिए
एग्रीमेंट किया गया यस, लेकिन किस ऑयल के लिए दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं कर रहा कौन सा वाला ऑयल है। यहाँ पर दुनिया भर के ऑयल है, नंबर ऑफ ऑयल्स आर देयर, सो इट विल नॉट बी ए वैलिड एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। लास्ट क्लास में किया था लास्ट पॉइंट कि परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी मतलब कि ये काम को किया जाना चाहिए, इसको पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस काम को कर पाए। क्या मैं चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ला सकता। क्या मैं जादू से खजाना लेकर आ सकता हूँ, ट्रेजर लेकर आ सकता हूँ? खुल जा सिमसिम एग्जाम्पल दिया था, खुल जा सिमसिम, नोट भी कर लीजिएगा खुल जा सिमसिम। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेना बच्चों, एक गाना आप लोग याद रख लेंगे तो यस आपको अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा, चांद तारे तोड़ लाऊं, ला ही नहीं सकते चांद तारे तो ला ही नहीं सकते, इसलिए इसकी कोई वैल्यू ही नहीं, ऐसा एग्रीमेंट कभी भी नहीं हो सकता। अगर चांद तारे तोड़ लाएंगे तो यहीं पर ही चांद बन जाएगा, क्लियर? तो ऐसा वाला अलाउड ही नहीं, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस करने की तो। यस मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्या, एक मरे हुए व्यक्ति को जगाने का, उसको जगाने का प्रोमिस करते हैं, यस क्या हम उसको जगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जगा सकते हैं। ओके तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा वो हम लोगों ने भी पढ़ लिया, अब हम आज की क्लास को सुनते हैं। चलिए ध्यान से, मैंने आपको कहा था कि यस मैं अभी आपको केस लॉ समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो वो बात हम समझ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। सबसे पहली बात, ये केस लॉ का मतलब क्या होता है? सिंपल, केस लॉ का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना कि केस लॉ का मतलब क्या समझाया गया है, क्लियर? केस लॉ के मीनिंग में क्या लिखा हुआ है? जब भी मैं कहूँ कि केस लॉ समझते हैं तो उससे मेरा क्या पर्पज होता है या किसी का भी क्या पर्पज होता है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। केस लॉ का मतलब, सपोज कोई बात लिखा हुआ है किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में कोई बात लिखी हुई है, कोई लॉ में कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई लाइन लिखी हुई, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, क्लियर? सेंटेंस कोई भी लिखा हो सकता है, यस। तो यस उस बात पर मेरा भी वही मतलब है कि मैं इस लाइन को क्या समझ रहा हूँ, दूसरा पर्सन भी उस लाइन को क्या समझ रहा है, इसी बात पर हम दोनों की लड़ाई हो गई है, हम दोनों की लड़ाई हो गई है कि मैं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आपके हिसाब से ये होना चाहिए। जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज ये वाटर बॉटल है, मेरे हिसाब से ये वाटर बॉटल क्या है और आपके हिसाब से क्या है, समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से ये वाटर बॉटल है आधा भरा हुआ, आपके हिसाब से ये वाटर बॉटल हो सकती है आधा खाली, यस और नो? सिंपल, दिस इज द कंसेप्ट। क्या करें, केस लॉ में भी अब ये कौन बताएगा कि इसका मीनिंग आपको लेना है क्या, इसका मीनिंग आपको क्या लेना है, इस मीनिंग को कौन समझाएगा? इसके लिए बच्चों मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताए थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस दे आर सिटिंग अराउंड देयर, वो बताते हैं कि यस इस लाइन का मतलब आपको क्या लेना है। कोई केस, ये केस गया कोर्ट में, हम लड़ रहे हैं किसी बात पर, किसी लाइन पर लड़ रहे हैं, सेंटेंस पर लड़ रहे हैं, वो कोर्ट गया, वो केस, वो लाइन गई कोर्ट में कि कोर्ट उसका मतलब समझाए। अब कोर्ट उसका मतलब जो समझा देती है कि मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज में इसका ये मतलब होना चाहिए, तो उसको वैसे ही माना जाना चाहिए। इसी चीज को बोला जाता है बच्चों डिसाइडेड केस लॉ। क्या बोला जाता है? डिसाइडेड केस लॉ। और अब भविष्य में ऐसी कोई भी लाइन आती है किसी के दिमाग में, नियर फ्यूचर ऐसा किसी भी सेंटेंस पर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट रहता है, तो यस हम रेफर कर देते हैं सेम डिसाइडेड केस लॉ को कि जी उस बात के लिए मिस्टर जज ने ये डिसीजन दिया था, सेम पोजीशन है, सेम बात है, तो यस वही डिसीजन फॉलो होना चाहिए, और वही डिसीजन फॉलो हो जाता है। इस चीज को ही बोला जाता है बच्चों डिसाइडेड केस लॉ। क्लियर, बात समझ में आता है?
चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ कैश लॉज जो हमें पढ़ने भी हैं और समझने भी हैं, वो क्या क्या है ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं कैश लॉ आपका इंटेंशन ऑफ क्रिएशन लीगल ऑब्लिगेशन, इसके बारे में कुछ कैश लॉ है वो क्या कहता है ध्यान से। ए हस्बैंड अग्रीज टू पे हिज वाइफ कैश लॉ है, बड़ा फेमस कैश लॉ है जिसका नाम है आपका एग्जाम में क्या लिखना है और समझ लीजिए। इतना बड़ा क्या आपको कैश लॉ सारा का सारा समझाना है यहाँ से यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं समझाना है, बिल्कुल भी नहीं समझाना है। आपको केवल केस का नेम रिटर्न करना है, वहां पर केवल आपको केस का नाम लिखना है, ये केवल नाम जो है ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, लेकिन एग्जाम में आपको कोई भी केस लॉ का केवल नाम लिखना है, ओनली नेम, डिटेलिंग कभी भी नहीं देनी है, ध्यान से समझिएगा, डिटेलिंग कभी भी नहीं देनी है, आपको केवल नाम बताना है, बस नाम ही सफिशियंट एनफ होगा, कहते हैं ना नाम ही काफी है, इसमें भी केवल नाम ही काफी है। आप केवल नाम दीजिए, एग्जामिनर अपने आप समझ लेगा, चेकर अपने आप समझ लेगा कि इस किसके बारे में मुझे समझा रहे हैं। तो दैट वाज द वेरी फेमस केस लॉ ऑफ लीगल क्रिएशन, लीगल ऑब्लिगेशन के ऊपर बहुत फेमस केस लॉ है। ये केस लॉ किसके बीच में हुआ और क्या हुआ ध्यान सुनिएगा बच्चों। इसमें नाम जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, बल्फर वर्सेस बेलफोर। ये क्या है, ये पहले वाले बेलफोर है मिस्टर और दूसरे वाले बेलफोर है मिसेज। क्लियर, सेम बातें हो सकती है, बिल्कुल सेम बातें हो सकती है। क्या कहा गया, हस्बैंड एंड वाइफ, ये केस किनके बीच में हुआ, आपस में हस्बैंड और वाइफ के बीच में। ध्यान समझना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक, बिल्कुल अच्छे से क्लियर तरीके से समझना। ये है मिस्टर हस्बैंड, ये है मिसेज वाइफ, ठीक। हस्बैंड जा रहे थे कहाँ, हस्बैंड जा रहे थे सपोज घूमने के लिए या यूएसए जा रहे थे, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यूएसए जा रहे थे, उनकी वहां पर क्या थी, ज्वाइनिंग हो गई थी और उनकी वहां पर कंपनी ने उनको वहां पर एम्प्लॉयमेंट में रख लिया था, किसको, मिस्टर जी को यूएसए में अपॉइंटमेंट हो गई। क्लियर, जब मिस्टर जी जा रहे थे कहां पर, यूएसए, ही मेड ए प्रोमिस किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ, उन्होंने क्या किया, प्रोमिस किया क्या कि मैं हर वीक, ध्यान सुनिएगा, मैं हर वीक आपको 1,00,000 रुपीज भेजूंगा। सर बहुत बड़ा अमाउंट है, इमेजिनरी फिगर आई एम टेकिंग जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, या कह सकता हूं 1 month में मैं आपको 4,00,000 रुपीज भेजूंगा, कहां से, यूएसए से। क्लियर, वाइफ ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप भेज देना, मेरा खर्चा वैसे ही बहुत ज़्यादा है, मुझे रोज शॉपिंग करना रहता है, टेंशन नहीं चाहिए, जरूर भेज देना। स्टार्टिंग के 2 months तो उन्होंने भेजा, किन्होंने, मिस्टर हस्बैंड ने मिसिज वाइफ को स्टार्टिंग के 2 months तो 4,00,000 रुपीज पर मंथ दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो 1,00,000 रुपीज पर मंथ देना बंद कर दिया। क्लियर, यहां तक है आपका क्वेश्चन, इसके बाद आएगा आंसर। पहला क्वेश्चन ध्यान से, हस्बैंड ने वाइफ के साथ प्रॉमिस किया कि यस मैं जा रहा हूं मैं एम्प्लॉयमेंट पे, यस मैं पर मंथ आपको 1,00,000 रुपीज दूंगा। वाइफ ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, जाइए, लेकिन मुझे दीजिए जरूर, क्योंकि मेरे को बहुत खर्चा करना। अब हस्बैंड ने दिया कितना, 1,00,000 रुपीज पर मंथ दिया, कितने समय तक दिया, 2 months तक दिया। अब 2 months के बाद हस्बैंड क्या हो गया, देने में फेल हो गया, हस्बैंड नहीं दे पाया। अब वाइफ को क्या आया, गुस्सा, उसने उससे कहा पैसे भेजो, कह रहा नहीं है, बोले अच्छा नहीं है, कोई नहीं, मैं तुम पर क्या कर देती हूँ केस। उन्होंने क्या कर दिया,
हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया, हस्बैंड को स्यू कर दिया। अब ये मामला कहाँ जाएगा बच्चों? केस कर देंगे तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, 100% कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। तो जज साहब दोनों को बुलाएंगे और कहेंगे क्या हुआ भाई, ये बात है सर, ये बात है। जज कहेंगे यार मियाँ बीवी के झगड़ा, हस्बैंड वाइफ के झगड़े कोर्ट में लेकर आते हो क्या? हस्बैंड और वाइफ के बीच ऐसी कोई बात थी कि यस अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो मैं आप पर केस कर दूंगी? आंसर इज नो। ऐसी कोई बात नहीं थी तो यहाँ पर लाने की क्या नीड है? क्योंकि ये एनफोर्सेबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, इट इज जस्ट ए सोशल अग्रीमेंट। हस्बैंड वाइफ रिलेटिव्स फ्रेंड्स इनके बीच में क्या रहता है? इंटेंशन लीगल क्रिएशन की नहीं रहती, लीगल ऑब्लिगेशन की नहीं रहती। इसके लिए कोर्ट ने क्या कहा कि यस अब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, इन दोनों बातों को आपको नहीं लिया जाएगा। और हस्बैंड अगर वाइफ को 1 लाख रुपीज पर मंथ नहीं भी देंगे तो उन पर केस अलाउड नहीं, बिकॉज इट इज जस्ट ए सोशल अग्रीमेंट, नथिंग एल्स। क्योंकि पार्टी की इच्छा क्या नहीं रही थी, कभी भी नहीं रही थी क्या करने की, केस करने की, एक दूसरे के ऊपर लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की कोई नीड नहीं रही थी। घर में भी ऐसा होता है बच्चों, ऐसा घर में भी होता है। पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, सब एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं मैं आपके लिए ये काम करूंगा, मैं आपके लिए वो काम करूंगा। वाइफ कहती है हस्बैंड से या हस्बैंड वाइफ से कहते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या हम केस कर सकते हैं? आंसर इज नो, नेवर। आज से ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी बात हो तो घर में भी समझा देगा कि यस ये केस लो है, फेमस केस लो जिसका नाम है क्या, बेलफोर वर्सेस बेलफोर। आपको ये नाम ध्यान रखना, बस इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बच्चों, बेलफोर वर्सेस बेलफोर। ये किस चीज के लिए है? ये है हस्बैंड वाइफ के लिए, सोशल अग्रीमेंट के लिए, जिसमें पार्टीज की कोई इच्छा नहीं है किस चीज की, लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की। ओके डन। ये बीच में जो बच्चों मैंने आपकी बुक जो दिया उसके बीच में जो जगह छोड़ी हुई है, जो स्पेसिंग दी है, वो केवल इन्हीं कामों के लिए दी है कि हम बहुत सारी चीजों को लिख पाए। ओके चलिए साथ साथ चलते हैं आगे, इतना क्लियर, 100% क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट कह रहे थे, इसी में पॉइंट अपन पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6, दैट इज फ्री कंसेंट। कंसेंट जो फ्री में मिला हो, जिसके लिए कोई पैसा नहीं दियो, वो ही क्या, नेवर नेवर नेवर। इसका मतलब ये नहीं है, फ्री कंसेंट ये मतलब नहीं है। इट्स ए लेटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस एड इडम। इसका क्या मतलब है? ये लेटिन वर्ड है बच्चों, और लेटिन वर्ड बहुत जगह यूज होते हैं आपके लॉ के लैंग्वेज में। तो अगर आप भी लेटिन वर्ड, लेटिन डिक्शनरी से आए हैं, अगर आप भी अपने एग्जाम में इंग्लिश वर्ड के साथ साथ लेटिन वर्ड को भी लिख देंगे, अगर ध्यान सुनिएगा, अगर इंग्लिश वर्ड के साथ साथ थोड़ा सा लेटिन वर्ड भी लिख देंगे, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े हैं, हम आपको बताएंगे, और अगर आप लिख देंगे श्योरली यू विल गेट गुड मार्क्स। सो इसके लिए हमें लेटिन वर्ड्स का मीनिंग भी समझना है। कंसेंसस एड आइडम, इसका क्या मतलब है, अभी बात करते हैं। कंसेंसस एड आइडम का मतलब है सेम सेंस इन सेम मैनर। अभी इसका मतलब आपको क्लियर कर देते हैं कि ये क्या होता है, सेम सेंस इन सेम मैनर, सिमिलर बात समझ रहे हैं आप और मैं। सपोज मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि क्या कह रहा हूँ मैं। मेरे पास बच्चों 2 कार है, एक है BMW एंड एक है ऑडी, क्लियर। आई एम हैविंग 2 कार्स, 1 is BMW, अदर इज ऑडी। आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू। सपोज यू आर मिस्टर राम एंड माई सेल्फ SG सपन जेमिनी, क्लियर।
मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ, मेरी बात हुई आपसे फोन पर? यस, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर रुपीज 2 लाख, 4 रुपीज 2 लाख, सेकेंड हैंड है तो बेचना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। यस, मिस्टर राम ने कहा। ओके, मिस्टर राम आ गए मेरे पास, बातचीत हो गया। हाँ सर, कार कितना किलोमीटर चला हुआ है? 20,000 किलोमीटर चला हुआ है। कौन सा मॉडल है? 2015 मॉडल है। कोई एक्सीडेंट है? नहीं है। सब कुछ ओके है? बिल्कुल ओके है। मैंने कहा ओके सर। इन्होंने मेरे से पूछा सब कुछ ओके है? मैंने कहा सब कुछ ओके है। बात चल रही जितनी मैंने आपको बात बताई, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान लगाना है क्योंकि इसी बात पर हमारा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कि ये इतने सालों तक चली हुई है, इतना किलोमीटर चला हुआ है, इतना माइलेज ये देती है, ये सारी बातें। और मिस्टर राम कह देते हैं ओके सर, मुझे पसंद है, लाइए दीजिए चाबी। ओके सर, मुझे पसंद है, लाइए दीजिए चाबी, मतलब की दीजिए गाड़ी की, और मैं उनको BMW की दे देता हूँ। मैं उनको BMW की दे देता हूँ। जैसे ही की उनके पास जाते, मिस्टर राम कहते हैं अरे सर ये क्या है? मैंने कहा यार BMW की है। बोला मिस्टर राम कहते सर मैं तो ओडी की बात कर रहा था, मैं तो ओडी के बारे में बातचीत कर रहा था। और मैं फिर बोलता हूँ, सपन जमनी बोलता हूँ, यार मैं तो BMW के बारे में बात कर रहा था, उसी को मैं दे सकता हूँ 2 लाख में। ओडी तो अभी खरीदा है 2 साल पहले ही, वो तो अभी एट प्रेजेंट ही 20 लाख रुपीज का मिलेगा। अगर मैं आज ही सेल आउट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों? इस चीज को बोला जाता है कंसेंसस एड आइडम, नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं अपने माइंड में, और मिस्टर राम कुछ सोच रहे हैं अपने माइंड में। दोनों अलग अलग बातों को सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ध्यान से, अलग अलग बातें, दोनों के दिमाग में अलग चीज चल रही है। बात गाड़ी की हो रही है? बिल्कुल गाड़ी की हो रही है। ये मॉडल की बात हो रही है? वो मॉडल की बात हो रही है। इतने समय तक चली है? इतनी चली है। ये सारी बातें, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, मैं BMW के बारे में कहना चाह रहा हूं, और मिस्टर राम ओडी के बारे में समझ रहे हैं, या मैं ओडी के बारे में कहना चाह रहा हूं, मिस्टर राम BMW के बारे में समझ रहे हैं। अल्टीमेटली मैं जिस बारे में कहना चाह रहा हूं और मैं कह रहा हूं, मिस्टर राम उससे अपोजिट बात को समझ रहे हैं। क्लियर? मैं कहना चाह रहा हूं किसी एक विषय में, किसी एक सब्जेक्ट को, लेकिन मिस्टर राम उस सब्जेक्ट को नहीं समझकर किसी दूसरे सब्जेक्ट को समझ रहे हैं। सो इस बात को क्या बोला जाता है? इस बात को बोला जाता है कि वहां पर दोनों की फ्री कंसेंट नहीं है, आपस में सहमति नहीं है, कंसेंसस एड एडम नहीं है। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। वैसे तो आई थिंक सफिशिएंट एनफ है। यस, इट विल बी क्लियर टू यू कि ये क्या मतलब होता है। यस, मैं अगर बात कर रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में, तो दूसरा पर्सन भी उसी चीज के बारे में अगर सोच रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है, तो यस, इसको बोला जाता है क्या? सेम थिंग सेम सेंस। इसको बोला जाता है क्या? सेम थिंग और सेंस, सेम थिंग और सेम सेंस, दोनों एक ही बातों को समझ रहे हैं। इसको बोला जाता है बच्चों कंसेंसस एड एड, सेम थिंग सेम सेंस। लेकिन मैं कुछ कह रहा हूं, नेक्स्ट पार्टी कुछ और समझ रही है, तो यस, इसको कंसेंसस एड इडम नहीं माना जाएगा, इसको सेम बात नहीं माना जाएगा। ओके, तो यस, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी भी अग्रीमेंट के लिए सेम बातें होना बहुत जरूरी है। मैं जिसके बारे में बात करूं, दूसरे बंदे को भी उसी के बारे में बात करना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है, तभी वो अग्रीमेंट पूरा हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। सिंपल, मैं बात कर रहा हूँ कुछ और, आप बात समझ रहे हैं कुछ और, तो यस,
आप बात कर रहे हैं कुछ और, मैं बात समझ रहा हूँ कुछ और, तो यस, क्या हम कभी भी किसी मैटर पर अग्री हो पाएंगे, किसी बात पर अपनी कंसेंट दे पाएंगे? आंसर इज नो, बिल्कुल भी अग्री नहीं हो पाएंगे। इसके लिए बोला गया है फ्री कंसेंट मस्ट बी देयर, वहां पर क्या रहनी चाहिए? यस, फ्री कंसेंट रहना चाहिए। चलिए अब रीड कर लेते हैं ध्यान से। कंसेंट इज क्रूशियल फॉर एन एग्रीमेंट, यस बिल्कुल क्रूशियल है, हाँ तो जरूरी है ही, लेकिन हाँ के साथ साथ वो क्या है? इफ टू पीपल रीच ए सिमिलर अग्रीमेंट इन द सेम सेंस, यही बात है बच्चों, कंसेंसस, एड एडम, कंसेंसस एड एडम, यही बात है, इसी को बोला जाता है यस के प्रॉमिस के लिए कंसेंट सेम सेंस में हुई है। क्लियर, इतना क्लियर, इसके बाद और आते हैं। हाउएवर, हाउएवर मतलब कुछ सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू मतलब कुछ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या मतलब? जहां पर नॉर्मल रूल विल नॉट अप्लाई, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ होगा अपनी 12th क्लास में अच्छे से, व्हाट डू मीन बाय एन एक्सेप्शन, वेयर द जनरल रूल इज नॉट एप्लीकेबल, वेयर द जनरल रूल इज नॉट एप्लीकेबल, इट विल बी कॉल्ड एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का क्या मतलब है, कह रहे हैं जी इसमें बताइए। हाउएवर, यस लेकिन कुछ शर्तें हैं, कह रहे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? वी मस्ट हैव फ्री कंसेंट, हमारे पास फ्री कंसेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कंसेंट जो ली जानी चाहिए, यस मैं किसी प्रॉपर्टी को अपने बेचने के लिए रेडी हूँ, आराम से इच्छा से, कोई टेंशन नहीं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, मैं बेच सकता हूँ, बिल्कुल बेच सकता हूँ, लेकिन मैं बेचना नहीं चाह रहा हूँ। और मेरे पास फोन आ जाता है किसका? मिस्टर दाऊद इब्राहिम का, छोटी मोटी बात नहीं है, मिस्टर भाई का फोन आ जाता है, हेलो अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है? मैंने कि बिल्कुल नहीं बेचनी। बोले अगर अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची तो हमें पता है तुम किस रास्ते से ऑफिस जाते हो। मैंने कि तो कौन बोल रहे हो? बोले मैं दाऊद इब्राहिम बोल रहा। ऐसा सुनते ही मेरे दिमाग में चक्कर आ जाएगा, मैं सोचूंगा यार प्रॉपर्टी ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी जान ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कहूँगा प्रॉपर्टी ले लो, क्या कहूँगा? प्रॉपर्टी ले लो। अब मैंने अपनी जो कंसेंट दी है वो मैंने प्रेशर में दी है या आराम से दी है? आंसर इज प्रेशर में दी है। जो ये प्रेशर है ना बच्चों, जो टेंशन है, मैंने अपनी कंसेंट फ्री में नहीं दी, अब मैंने अपनी कंसेंट अपनी मर्जी से नहीं दी, मैंने अपनी कंसेंट किसी और की मर्जी से दी है, किसी और की मर्जी से ही कंसेंट देना विल नॉट बी टर्म एज फ्री कंसेंट ऑल्सो। ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक है उनमें अच्छे से पढ़ेंगे कि अंडू इन्फ्लुएंस क्या है, क्वेश्चन क्या है। अभी पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। वी मस्ट हैव फ्री कंसेंट विच मीन दैट द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस क्या? पापा ने मुझसे कहा मैं शादी नहीं करना चाह रहा किसी पर्टिकुलर गर्ल से, लेकिन पापा ने मुझसे कहा क्या? बेटा मैंने इस लड़की के पापा को प्रॉमिस किया था और ये मेरी आखिरी इच्छा है, इससे शादी कर लो। अब मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं किसी काम को करने की, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रहा है, इट विल बी कॉल्ड एज अंडू इन्फ्लुएंस। फादर का सन के ऊपर अंडू इन्फ्लुएंस है। डिटेलिंग अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन अभी सिर्फ छोटा थोड़ा पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है? कर्शन है, मेरे को धमकी मिली है। कहाँ से? मेरे को धमकी मिली है कहाँ से? दाऊद भाई से। ए बाबा अपनी प्रॉपर्टी मेरे को दे दे, वरना वरना तू गया, समझ तू गया रे। यस, तो गया तो अपन डर के मारे अपने प्रॉपर्टी दे देंगे। दाऊद भाई जिसको बोलेगा उसको अपन अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर देंगे। टेंशन नहीं लो भैया, आप लो आपकी है, मेरे को क्या है, कोई टेंशन नहीं। क्लियर। फ्रॉड, किसी ने फ्रॉड से की है प्रॉपर्टी, जानबूझकर धोखेबाजी कर प्रॉपर्टी ली है, कुछ हमारे साथ ऐसा अग्रीमेंट किया है जिसमें फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट था, कुछ चीज़ों के बारे में हमें गलत बताया गया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है या मिस्टेक, ये सारे टॉपिक्स ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये सारे टॉपिक्स आपके
लेक्चर आपके जो है टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में बताए गए हैं अच्छे से, अनड्यू इन्फ्लुएंस, करप्शन, फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन, मिस्टेक, तो इनको हम अच्छे से वहीं पर पढ़ेंगे। केवल आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है। फ्री कंसेंट वो कंसेंट है जो किसी की मर्जी के बिना ली गई हो, किसी की इच्छा के बिना ली गई हो, किसी की डिजायर के बिना ली गई हो। ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर किया जाता है तो यस, उस एग्रीमेंट की वैल्यू वहां तक ही रहती है जहां तक जिसकी कंसेंट ली गई है वो कोई एक्शन नहीं लेता है। ध्यान से, सपोज मेरे ऊपर गन रख दी गई, मैंने प्रॉपर्टी किसके नाम पर कर दी, दाऊद भाई के नाम पर कर दी। अब दाऊद भाई घर से निकले और मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया कि यस मेरी प्रॉपर्टी मिस्टर दाऊद ने ली है, कैसे, गन दिखाकर। अब पुलिस किसको पकड़ लेती है, मिस्टर दाऊद को, और मेरी प्रॉपर्टी के पेपर मुझे वापस दिला देती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ बच्चों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वी विल डिस्कस लेटर कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जस्ट वी आर डिस्कसिंग फ्री कंसेंट हियर। ओके, तो क्या कहते हैं, एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी, ये बातें हम पढ़ेंगे बाद में बच्चों अच्छे से, लेकिन अभी केवल कितना पढ़ना है, अगर कोई पार्टी की कंसेंट ली गई फ्री कंसेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड। अगर फ्री कंसेंट, ध्यान से लिखिए, फ्री कंसेंट इज देयर देन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, अदरवाइज नॉट। अभी केवल इतना ही नोट डाउन कीजिए, ज्यादा नहीं, अदरवाइज नॉट। अगर कंसेंट फ्री है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज वैलिड नहीं है। बातें समझेंगे बाद में, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जल्दी से। ए थ्रेटन टू बी, यस लेडी दे रही है किसको, शूट करे, मैं तुझे शूट कर दूंगी अगर ये प्रॉपर्टी के पेपर मुझे नहीं दिए या मुझे आपने 2000 रुपीज उधार नहीं दिए। इसमें बंदे को अपनी जान प्यारी है क्या, अपनी जान की चिंता है क्या, यस बिल्कुल चिंता हो, कहेगा लीजिए लीजिए मैडम लीजिए, जल्दी लीजिए जल्दी लीजिए, 2000 रुपये लीजिए और मुझे छोड़िए, मैं यहाँ पर कोई पंगा नहीं करना चाहता। यस, तो इसमें क्या इस पर्सन की, इसको पैसे देने की पहले कोई इच्छा रही होगी, बिल्कुल भी नहीं रही होगी। लेकिन क्योंकि इन्होंने क्या दिखाई, गन, गन दिखाने के बाद इनकी इच्छा अपने आप हो गई, मतलब पहले इच्छा नहीं थी, तो पहले फ्री कंसेंट नहीं था, बाद में देना पड़ा, बाद में देना पड़ा, इच्छा नहीं होते हुए भी कुछ काम किया गया, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज फ्री कंसेंट। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी इच्छा, आपके डिजायर होना जरूरी है। फ्री कंसेंट मस्ट बी ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मेकिंग एनी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट के लिए फ्री कंसेंट एक बहुत जरूरी एलिमेंट है। घर में भी आप लोगों का कभी मन नहीं होता है कुछ काम करने का, आप अपनी सहमति नहीं देते हैं, फ्री कंसेंट नहीं देते हैं, सेम केस, ओके, इट विल नॉट बी क्रिएटेड, क्लियर, चलिए डन, नेक्स्ट चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, अभी हम सब पढ़ रहे हैं क्या, कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि यस कॉम्पिटेंट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को कॉम्पिटेंट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें बताई जानी चाहिए। उनमें से एक बात है बच्चों, ये छोटी सी प्यारे बच्चों की शक्ल दिख रही है आपको, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, पार्टीज क्या रहनी चाहिए, कैपेसिटी रहनी चाहिए। कैपेसिटी का क्या मीनिंग दिया गया कि यस पार्टी जो है कॉम्पिटेंट एनफ हो, कितना क्या हो, कॉम्पिटेंट एनफ हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, कॉम्पिटेंट एनफ होनी चाहिए किसके लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट एनफ का क्या मीनिंग बताया गया है यहाँ पर, हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉम्पिटेंट का क्या मतलब बताया गया है, कॉम्पिटेंट का मतलब बताया गया कि जो पर्सन में दिमाग हो अच्छे से, मतलब वो दिमाग हो, मतलब साउंड माइंड का हो, उसका दिमाग अच्छे से चलता हो, पागल नहीं हो, लुनाटिक नहीं हो, ड्रंकड़ नहीं हो, इन सब बातों से अगर है तो यस उसकी कैपेसिटी नहीं है, है ना, इधर उधर डोल रहा है, विस्की पिए हुए और इधर उधर बात कर रहा है, ए क्या कह रहे हो, मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ क्या करूँ, ऐसे बोल रहा है, तो यस उस समय वो अपने होशो और हवास में नहीं है, होश में नहीं है, तो यस उसकी कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करने की।
क्लियर। दूसरा हम बता रहे हैं यहाँ पर केस, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे छोटे छोटे बच्चे, ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हैं? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये गाना गा सकते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हूँ या काबिल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन बच्चों को तो कुछ समझ नहीं, ये बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, काबिल होने के लिए एक मिनिमम एज होती है बच्चों, वो हमारे मेजोरिटी एक्ट में लिखी हुई है कि यस मिनिमम एज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल होने के लिए कितना होना चाहिए, यस उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर मिनिमम, 18 और उससे प्लस तो कोई टेंशन ही नहीं है, यस कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो इन सिंपल टर्म वी कैन से कोई भी माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता है, उसको करने की कोई इजाजत नहीं है, अगर वो करता भी है तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। क्लियर, माइनर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत नहीं है क्योंकि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, जितना भी लोग ने यस उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो नहीं है, तो यस वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। केस नंबर वन, फर्स्ट कह रहे हैं द पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टीज, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर कोई व्यक्ति कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कौन, हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, कह रहे जी मेजोरिटी की एज है मतलब 18 प्लस है, 18 ईयर है या 18 प्लस है, 17 ईयर्स 11 मंथ्स 20 डेज है, 17 ईयर्स 11 मंथ 20 डेज है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बच्चों केवल 10 ही दिन तो रहते हैं 18 साल का होने में, यार कोई टेंशन थोड़ी ना है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आंसर इज नो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यस उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं, क्योंकि पार्टी की कैपेसिटी नहीं है। हमारे इंडियन लॉ में बताया गया है कोई भी पर्सन जब तक वो मेजोरिटी की एज को ना अटेन कर ले, मेजोरिटी की एज 18 ईयर्स, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 12th क्लास में कि माइनर को बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है, सिंपल, किसी लाइबिलिटी को उसके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, सेम केस इज देयर नो लाइबिलिटी कैन बी इम्पोज अगर उस पर ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो क्या हम उस पर केस कर पाएंगे? आंसर इज नो, नेवर, क्योंकि उस पर कोई भी इम्पोजिंग हम नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई मिस्टर माइनर को इस पर व्यू से बाहर रखा गया है, उसको कहा गया कि अभी आप क्या हो, छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चे हो, इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत नहीं है, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज माइनर नहीं होना चाहिए, द पर्सन शुड नॉट बी माइनर, क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज पर्सन शुड नॉट बी माइनर, शुड नॉट बी माइनर, एक केस कि यस अगर माइनर है तो कॉम्पिटेंट, माइनर है तो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो कॉम्पिटेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर टू इज क्या कर रहा है, कॉम्पिटेंट के बाद पॉइंट नंबर टू इज द पर्सन शुड बी साउंड माइंड होना चाहिए, जिसका दिमाग सही चलता हो। साउंड माइंड के पर्सन कौन बोले गए हैं, अभी बात करते हैं, साउंड माइंड के पर्सन बोले गए हैं जिसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, एक लुनाटिक, ड्रंकर्ड या कोई और पर्सन भी हो सकता है, जैसे आप सब लोगों ने बच्चों मूवी देखा होगा 100% गजनी, बिल्कुल देखा होगा, ये रहे मिस्टर गजनी, ये क्या था याद है क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, थोड़े थोड़े समय में ये भूल जाते थे कौन है कौन है, इसका दिमाग सही नहीं चल रहा था, मिस्टर आमिर खान का जो माइंड था वो साउंड नहीं था, तो जिस समय उनका माइंड साउंड नहीं था क्या उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, नेवर, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आपका दिमाग ठीक चलना जरूरी है। आप नींद में हो सकते हैं, आप नशे में हो सकते हैं, आप विस्की पिए हो सकते हैं, यस आप किसी और
वी कैन से पागल पर्सन हो सकते हैं, यस, अगर कोई भी इनमें से है, माइंड साउंड नहीं है. साउंड माइंड का मतलब ये नहीं कि आवाज अच्छे से आ रही हो, यस, साउंड माइंड इज योर, आपका दिमाग अच्छे से काम करता है, आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टूड करते हैं, आप चीजों को अच्छे से समझते हैं, क्लियर. तो पर्सन शुड बी साउंड माइंड एंड अदर वन यू आर सीइंग देयर. ये क्या है, ये बंदे जो है विस्की पे बैठे हुए हैं, अब नींदों में है और हम पहुंच जाते हैं, सर ये प्रॉपर्टी साइन करना है, सर ये प्रॉपर्टी साइन करना है, कहता है अच्छा क्या करना है, कहाँ साइन करना है, वो साइन कर देते हैं. तो क्या वो वैलिड होगी, आंसर इज नो, क्योंकि उन्होंने जो साइन किए हैं वो साइन के टाइम पर अनसाउंड माइंड के थे. जिस समय उन्होंने साइन किया उस समय वो अनसाउंड माइंड के थे, तो यस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं. अब इसी को और बात समझते हैं. सर सपोज जब मिस्टर गजनी हमारे सही पोजीशन में होते हैं, मतलब उनका दिमाग अच्छे से काम कर रहा होता है, एकदम चीज़ों को क्लियरली समझ रहे होते हैं, क्या उस समय वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर इज यस. एक चीज और लिखिएगा, यस एनी अनसाउंड माइंड पर्सन कांट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट. लिखिए जल्दी से, एनी अनसाउंड माइंड पर्सन कांट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. ही कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. जिस समय वो साउंड माइंड का है, जिस समय उनका दिमाग पूरा पूरा चल रहा है, बिल्कुल ढंग से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, सब बातें उनको समझ में आ रही हैं, तो यस क्या वैलिड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, क्लियर. कोई पर्सन और एग्जांपल इसी में, कोई विस्की पी हुए रात को, यस जो बात किया लुनेटिक है, ड्रंकड है, यस उसमें उनका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट. अब मॉर्निंग में अच्छे से उनका नशा उतर जाता है, अच्छे से स्नान कर लिए हैं, दिमाग बढ़िया से चल रहा है, एकदम मस्त तरीके से, उस समय क्या वो साउंड माइंड के पर्सन है, आंसर इज यस, ही इज ऑफ साउंड माइंड पर्सन नाउ. नाउ ही इज एंटाइटल टू एनी कॉन्ट्रैक्ट. क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, बिल्कुल 100% वैलिड होगा, क्योंकि उस समय वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पाने में उसका दिमाग पूरा का पूरा चल पाएगा, अच्छे से चीजों को क्लियर हो पाएगा, क्लियर. पॉइंट नंबर 2 इज कंप्लीट हियर, ही इज ऑफ साउंड माइंड. एंड एज क्या होना चाहिए, 3rd नंबर, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ईच सब्जेक्ट. कह रहे किसी लॉ ने उसको मना नहीं किया हो कॉन्ट्रैक्ट करने से, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं होते हैं, कि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, जैसे कन्विक्टेड अपराधी, इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते, इसलिए उसको कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता, क्लियर. 3 पॉइंट क्या क्या, कॉम्पिटेंसी के लिए क्या होना चाहिए, नंबर 1 साउंड माइंड, नंबर टू मेजर, नंबर 3 नॉट डिस्क्वालिफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ. लॉ ने किस मना नहीं किया हो, यस तो आप कर सकते हैं, लॉ ने जो मना किया हो उसके बारे में अपन बात करते हैं. करें क्या, लेट अस सी दीज क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन मतलब फाइंडिंग्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, कि रिस्ट्रिक्शंस, क्वालिफिकेशन का मतलब बच्चों यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, कि इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्लियर. तो बात करते हैं पहले, द पर्सन मस्ट बी एट 18 ईयर्स ओल्ड और मोर, डन, यस दिस इज डन. नेक्स्ट, पार्टी और पर्सन शुड बी एबल टू फुली अंडरस्टैंड द टर्म्स और प्रॉमिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के एंटर करने के समय, फॉर्मुलेशन वी कैन से वाइल एंटरिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट, इस समय वो कॉन्ट्रैक्ट के एंटर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहा है, उस पर अपने सिग्नेचर कर रहा है. नेक्स्ट, ए लुनाटिक इडियट ड्रंकड पर्सन, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, उस समय नशे में हो सकते हैं, इनटॉक्सिकेंट हो सकते हैं, यस बिल्कुल टॉक्सिकेंट
उनका उसमें टॉक्सिकेंट नहीं निकला होता, उनके शरीर में उनके ब्लड में क्या रहता है, नशा, नशा रहता है, नशा। तो इस समय उनका दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा होता, इसके लिए उनको बोला जाता है कि आप साउंड माइंड के पर्सन नहीं हो। क्लियर, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं जी, पार्टी शुडंट बी डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर, पार्टी शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लीगल रेमिटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पर्सन इज ए कन्विक्टेड, मतलब अपराधी है, दाऊद भाई सारी जनता जानती है ये अपराधी, इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। राजनीतिक राजदूत, हमारे फॉरेन के राजदूत, इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अलायन एनिमी, ये क्या होते हैं थोड़ा सा और बता देते हैं। अलायन एनिमी क्या होता है, हमारा शत्रु देश, अगर सपोज चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो रही है, भगवान न करे हो, पर होगी तो होगी, कोई रोक नहीं सकता है, चाइना के साथ अगर वॉर छिड़ जाती है, चाइना का कोई पर्सन के साथ हमने ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है अगर, तो यस, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? आंसर इज नो, बिकॉज अब चाइना ही, पूरी कंट्री ही किसका दुश्मन हो गया, हमारी कंट्री का, मतलब वीकेंड से देश का दुश्मन हो गया है, और देश का दुश्मन लोग की नजर में हमारा दुश्मन, लोग की नजर में देश का दुश्मन। अच्छा, हम तो मना कर रहे हैं, चाइना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, और आप चाइना के बंदों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कह रहे हैं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको अलाउड नहीं है, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, आपको सजा दी जा सकती है। तो यस, कहा गया है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं, कोई कॉम्पिटेंसी नहीं, देश का दुश्मन हमारा दुश्मन, देश का दुश्मन हमारा दुश्मन। तो यस, नो वैलिडिटी देयर। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, इतना क्लियर। यस, तीन लोगों को नहीं अलाउड है, किस किस को? नंबर एक माइनर, नंबर दो अनसाउंड माइंड, नंबर थ्री जो डिस्क्वालिफाइड कर दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको अलाउड नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट चलते बच्चों। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कंसीडरेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग। कंसीडरेशन मतलब कुछ ना कुछ चाहिए ही। आप स्कूल की कैंटीन में जाते हैं, कभी गए भी होंगे, यस, वहाँ पर भैया बैठे हैं, आप कहते हैं भैया देना एक आइसक्रीम, वो कहता है 20 रुपीज़, क्या कहता है 20 रुपीज़, तो आपको कुछ 20 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं क्या? आंसर इज यस। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप कोई ड्रेस सेलेक्ट करते हैं, एंड इट कम्स आउट ₹2000, तो क्या वो आपसे चार्ज करते हैं ₹2000 तभी आपको ड्रेस देते हैं, या कहते हैं ले जाइए हमारी तरफ से आपको ऑफर है? तो ये जो चार्ज किया गया बेटा, ये जो चार्ज किया गया ₹20 एंड ₹2000, दैट विल बी द कंसिडरेशन फॉर अदर पार्टी, जिसने आपको सामान दिया, जिसने आपको चीज दी है, जिसने आपको कोई थिंग दी है, और आपके लिए क्या कंसिडरेशन है? आपके पास वो चीज आई है, आपके पास ड्रेस आई है, आपके पास आइसक्रीम आई है, आपके पास मैगी आई है, तो इट विल बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है? नॉर्मली कंसिडरेशन का मीनिंग है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, जिसका मतलब है कि पार्टी को कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। बात करते हैं एग्जाम्पल में दिया, इफ यू डिसाइड टू सेल योर हॉर्स, आप अपना घोड़ा बेचना चाह रहे हैं, कितने में? ₹5000 में, किसी दोस्त को, अपने फ्रेंड को, राम को। इन दैट केस यू आर प्रोमिस टू गिव द राइट टू द हॉर्स टू योर फ्रेंड, इज कंसिडरेशन। क्या है कंसिडरेशन? क्या है? आपने घोड़ा दे दिया है उनके लिए, कंसिडरेशन क्या है? वो हॉर्स है, अब हॉर्स पर राज जो है किसका है? मिस्टर राम का राज चलेगा, जैसे चाहे वो घोड़े को चला सकते हैं, हॉर्स को चला सकते हैं। और फ्रेंड्स प्रोमिस टू पे ₹5000, ये प्रोमिस जो उन्होंने किया 5000 का, ये कंसिडरेशन क्या है? ये आपका कंसिडरेशन है, क्योंकि आपको भी तो कुछ चाहिए। क्लियर, तो ये जो कुछ आपको मिला, दैट विल बी कॉल्ड ए कंसिडरेशन। और उनको क्या मिला? उनको जो हॉर्स मिला उसको बोला कंसिडरेशन। डिटेल्ड एनालिसिस है हर पॉइंट्स की,
थ्री चैप्टर नंबर थ्री में कंसिडरेशन क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, कैपेसिटी जितना भी हम पढ़ रहे हैं डिटेल है, जस्ट यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज ले रहे हैं. ओके डन, इतना क्लियर, कोई टेंशन? आई थिंक नो टेंशन. चलिए थोड़ा सा और अपन समझ लेते हैं आगे एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में थोड़ा सा अपन डिस्कशन को और बढ़ा लेते हैं, ताकि कुछ लोग आप भी घर पर पढ़ पाए, अच्छे से समझ पाए, तभी तो आगे टेस्ट दे पाएंगे. चलिए बात करते हैं. क्या करें सर, टेस्ट भी लोगे? यस बिल्कुल लेंगे बच्चों, नो प्रॉब्लम. तभी तो एग्जाम में मार्क्स आएंगे. कुछ लिखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं क्या समझ आ रहा है क्या नहीं लिख रहे हैं. तो यस, हाउ विल यू इवेल्युएट यूर सेल्फ एंड हाउ विल वी इवेल्युएट यूर सेल्फ, कि आपको क्या क्लियर करना है. चलिए बात करते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. कुछ तो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो, ये पॉइंट्स कि अग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है. पहले बताइए, छोटा सा सोचिए, थिंक फॉर अ व्हाइल, अग्रीमेंट बड़ी चीज है या छोटी चीज है कंपेयर विद कॉन्ट्रैक्ट, इन कंपेरिजन विद कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है या छोटा कॉन्सेप्ट है? सोचिए 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 जल्दी से. यस, जिसके भी दिमाग में अच्छी बात है, नहीं भी आया कोई बात नहीं, आई एम टेलिंग यू हियर. यस, अग्रीमेंट क्या है बच्चों? वाइडर कॉन्सेप्ट है. हर बार मैंने किया ऑफर, क्या आप ये बोतल लेंगे, आपने कहा यस, ये क्या हो गया? एग्रीमेंट. लेकिन अगर आप इस बोतल को बाद में मना कर देते हैं तो क्या केस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते. तो यहाँ पर ये क्या रहेगा? अग्रीमेंट. क्लियर? तो यस, अग्रीमेंट हर बात अग्रीमेंट. कोई ऑफर दिया, ऑफर के ऊपर क्या दिया? एक्सेप्टेंस. तो ये क्या हुआ? अग्रीमेंट. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी. ऑफर प्लस अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी, लास्ट क्लास में अच्छे से बताया था लीगल एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है. क्लियर? तो बेसिक बात तो ये कि अग्रीमेंट में क्या हमारे बीच में कोई ऑब्लिगेशन होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होता है? आंसर इज नो. हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन? बलफोर वर्सेस बेलफोर का केस हमने बात किया था, बेलफोर वर्सेस बेलफोर, क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन वाज देयर? नो, देयर वाज नो लीगल ऑब्लिगेशन. क्लियर? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में यस श्योरली इट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन. एक बार जो कर दिया तो यस आप कोर्ट में जा सकते हैं, बिकॉज लीगल एनफोर्सिबिलिटी इज देयर. सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेड दैट कि अग्रीमेंट क्या है. अग्रीमेंट इट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट. एंड कॉन्ट्रैक्ट इज ए नैरोअर टर्म्स, मतलब एक छोटा है. किससे? अग्रीमेंट से. अग्रीमेंट बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? छोटा है. सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट हो सकते हैं क्या? श्योरली होते हैं. सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं. क्योंकि अग्रीमेंट के लिए क्या है बच्चों? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो जरूरी है, प्लस में लीगल एनफोर्सिबिलिटी, ये तो होगी होगा. अगर लीगल एनफोर्सिबिलिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अदरवाइज अग्रीमेंट तो है ही. लेकिन क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं? ध्यान से बताइए, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं? बच्चों में जानबूझकर मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीच चीज में थोड़ा गलत बोलता हूँ ताकि बच्चों का दिमाग वापस लाने के लिए, उनको वहीं से जहाँ पर वो आराम से सोचते रहते हैं कि यार चल दे मास्टर जी बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, कोई बात नहीं. लेकिन जानबूझकर बीच चीज में मैं गलत बोलता हूँ ताकि आप लोग एकदम से अपने माइंड को क्लिक करें कि यस, अरे सर ये नहीं है, इसका मतलब ये है. अगर ऐसे पढ़ेंगे ऐसे समझेंगे तो यस इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे. ओके चलिए, अब हमने बेसिक बातें पढ़ लिया, अब इसको डिटेलिंग पढ़ लेते हैं. क्या डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं? एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. यस हम लोगों ने पढ़ा क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, सिंपल टर्म में पढ़ रहे हैं अभी. सबसे पहले आपको एक और बात थोड़ा सा बताया था, इस चैप्टर में फर्स्ट जो चैप्टर है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक चैप्टर, इसमें आपको थोड़ी सी क्लासेस ज्यादा लगती है, क्योंकि ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए है, आपको समझने के लिए है. धीरे धीरे हम लोग एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, तो थोड़ा समय लगता है, ताकि एक बार आपको अच्छे से इनहेल हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है. उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से एक स्पीडी पकड़ लेंगे, रफ्तार पकड़ लेंगे, ठीक है ना, स्पीड से हम चल पाएंगे. लेकिन उससे पहले कोई ये ना सोचे सर बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं कैसे होगा, चिंता नहीं करें, हमको सब पता है कि क्या कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है. बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, केवल आप बस जितना बताया जा रहा आप उतना ही पढ़िए,
इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान देने की नीड नहीं है। वो कितना कैसे पढ़ना है वो भी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्लियर करूंगा कि हमें सर कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ेंगे, हमें याद रहे, हमारे दिमाग में सारी बातें जाती रहें। वैसे श्योरली जा रही होंगी, कोई इश्यू नहीं, फिर भी और ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए हमें कैसे करना है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए समझिए ध्यान से। पहला, अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, 100% ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अग्रीमेंट, क्लियर। और कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी इज देयर, यस श्योरली लीगल एनफोर्सिबिलिटी होती है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब अग्रीमेंट का टर्म क्या है, वाइडर है के नैरोवर है, 100% अग्रीमेंट यार वाइडर है, बिल्कुल आपका टर्म वाइडर है, क्योंकि ये दो बातें होते ही अग्रीमेंट और ये दो बातें तो हर जगह होंगी, तो यस इसका टर्म वाइडर होगा बिल्कुल, लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट दोनों में होगा, यस। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, नैरोअर सेंस है, एक स्पेसिफिक है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी जहां पर होगी वही केवल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं। Yes, थर्ड नंबर, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहेंगे। लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं नेसेसरीली, यहां पर मैंडेटरी है, जरूरत है, यहां पर आवश्यक है कि यस लीगल एग्रीमेंट बनाया जाए। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी, यस You can sue the party. केस कर सकते हैं, sue कर सकते हैं 100%. All agreements are not contracts, 100%. All agreements are not contracts. सारे agreement contract नहीं कहलाते, क्योंकि पता ही अच्छे से clear करा दिया है, क्योंकि इसका term क्या है contract का, narrower term है, लेकिन agreement का term क्या है, wider term है, लंबा दूर तक जाते हैं। तो yes, सारे contract के agreement होते हैं, surely होते हैं, सारे contract में क्या होता है आपका अग्रीमेंट इंक्लूड होता है, क्योंकि पहले अग्रीमेंट बनता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यस और नो, पहले अग्रीमेंट उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। चलिए, सो इट इज डन, यस इट इज डन, आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि धीरे धीरे मैंने बताया धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, एक बार समझ लेंगे तो यस शू गाड़ी एकदम तेज तरीके से दौड़ेगी। अगर सपोज सिंपल बात करते हैं, स्टार्टिंग में अगर गाड़ी चलाना नहीं आता, स्कूटी बाइक चलाना नहीं आता है, तो गिरते हैं, समझते हैं, ऐसे टाइम लगता है ना, तो यस इट्स ए यूनिक सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए बिल्कुल, अभी तक आप इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई किए हैं, तो यस आपको ये अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए मैं थोड़ा आपको धीरे 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 समझा रहा हूँ चीज़ों को, सो प्लीज जितना बता रहा हूँ आप उतना ही समझिए, ओके। चलिए, लेकिन क्लास को ओवर करने से पहले मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, क्या याद है, यस, कि जो भी हम पढ़ेंगे हम उसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। चलिए, आज हम लोगों ने जो जो पढ़ा हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, केस पढ़ा, किसका, बेलफोर वर्सेज बेलफोर कौन सा था, याद है क्या, हस्बैंड और वाइफ का केस था। हस्बैंड ने कहा मैं आपको हर मंथली 1 लाख रुपए पे करूंगा, और उन्होंने नहीं किया तो वाइफ ने स्यू कर दिया। क्या वाइफ को ऐसा अलाउड होना चाहिए, आंसर इज नो, नेवर, क्लियर। तो दैट वाज द फेमस केस लॉ, प्लीज नोट डाउन दिस केस लॉ, जब भी मैं पूछूं आपको अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए, दैट वाज द फेमस केस लॉ, लीगल क्रिएशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, बेलफोर वर्सेज बेलफोर। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज वॉज डन, यस चांद तारे। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट, मैंने आपको बताया फ्री कंसेंट मस्ट बी देयर, कंसेंट इज एड आइटम, वहां पर होनी चाहिए। सेम थिंग सेम सेंस, दोनों पार्टी एक ही बात के लिए, एक ही थिंग के लिए बात करें, एक ही चीज के लिए बात करें, कोई और किसी और के लिए बात कर रहा है और मैं कुछ और के लिए बात कर रहा हूं, तो यस इट विल नॉट बी अलाउड। मैं बात कर रहा हूं सीता के लिए, आप बात सोच रहे हैं गीता के लिए, यस इट विल नॉट बी अलाउबल इन एनी ऑफ द केसेस, सो फ्री कंसेंट यहाँ पर नहीं होगी। और एक बात और बताया था, फ्री कंसेंट में कर्शन नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया था आपको, इतना अच्छा गन रख दिया क्या, थ्रेटन करने के लिए, यस स्यू कर देंगे अगर आपने ये नहीं किया तो, यस तो एग्रीमेंट जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं। एग्रीमेंट की वैल्यू कब होगी कब नहीं होगी,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। यस, कैपेसिटी ऑफ पार्टी में हमने क्या पढ़ा, कैस माइनर को अलाउड नहीं, गजनी को अलाउड नहीं, मतलब साउंड माइंड पर्सन को अलाउड नहीं। एंड थर्ड वन इज डो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, किए हुआ हमारे कानून ने ही मना किया हुआ है कि इन लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो दे विल नॉट बी अलाउड। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में आपको बताया समथिंग इन रिटर्न, कुछ आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आप क्या देते हो, घोड़ा देते हो, और वो क्या देता है आपको, पैसे देता है। यस yes, आप कंसिडरेशन का मीनिंग और क्लियर कर देता हूँ, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी तरफ से क्या जा रही है, हमारी तरफ से कंसिडरेशन जो रहा है, हमारी नॉलेज आपके पास जा रही है, ध्यान सुनिएगा, और आपकी तरफ से जो फी आ रही है दैट इज कंसिडरेशन फॉर अस, सिंपली बेस्ट एग्जाम्पल। यस क्लियर। चलिए बाजार से आप कुछ लेते हैं, यस yes, पेन लेते हैं, नोटबुक लेते हैं, अपना गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, यस yes, आप उसको पे करते हैं, वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाल लेते हैं, तो यस इट्स ए कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज। गिव एंड टेक, सिंपली वी कैन से गिव एंड टेक, कुछ लेते हैं तो कुछ देते हैं। ओके चलिए, अब ये तो था आज की क्लास जो हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया हम सब क्लासेस का धीरे धीरे पढ़ा करेंगे जल्दी से। फर्स्ट में हमने क्या कहता, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और अग्रीमेंट क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल ऑब्लिगेशंस, आपको एग्जांपल तो याद ही होंगे। ओके चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, जल्दी से ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।